हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार प्रसाद। वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस चैनल। और जैसे कि फ्रेंड, हम लोग का जो सब्जेक्ट चल रहा है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, और अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया है दैट इज़ लाइन प्रोजेक्शन तक हम लोगों ने कवर कर लिया। पिछला जो वीडियो था हमारा प्लेन प्रोजेक्शन नहीं था, वो बेसिकली प्लेन प्रोजेक्शन के लिए बेस हमने रेडी किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लेन प्रोजेक्शन। तो चलिए, प्लेन प्रोजेक्शन में क्या क्या चीज़ें हैं, आज क्या क्या कल लेक्चर्स में होने वाले हैं, उससे पहले हम लोग एक उसका हाईलाइट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि प्लेन प्रोजेक्शन। अब प्लेन प्रोजेक्शन क्या है, अब बात आती है कि प्लेन प्रोजेक्शन है क्या। जैसे हमें मालूम था लाइन क्या था, पॉइंट क्या था, तो अब देखते हैं कि प्लेन प्रोजेक्शन क्या है। अगर हम पॉइंट की बात करें तो दिस इज योर पॉइंट। अगर हम बात करें पॉइंट की तो दिस इज योर पॉइंट। अगर हम लोग ढेर सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर दें, बहुत सारे पॉइंट्स को आपस में मैच कर दें, तो हमें क्या मिलता है, एक लाइन। ये देख सकते हैं, एक लाइन। और कई सारे लाइंस को अगर आपस में हम मैच कर दें तो क्या मिलेगा, एक प्लेन। तो प्लेन प्रोजेक्शन कुछ नहीं है, आपके नंबर ऑफ लाइंस को जोड़ के कनेक्ट करके आपका जो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा था कि हमारे पास जो नॉर्मल और जनरल जो केसेस आएंगे, जो एग्जाम के मतलब हिसाब से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्या रहता है, आपका सर्कल होता है, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। बेसिकली स्क्वायर को हम लोग क्वेश्चन में स्क्वायर ही पूछ सकते हैं, रेक्टेंगल भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग रेक्टेंगल भी बोल लेते हैं। आपका पेंटागॉन एंड हेक्सागॉन, बेसिकली आपके यही आपके जो टॉपिक्स हैं, इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। सर्कल हो गया, सेमी सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्क्वायर भी बोल सकते हैं, रेक्टेंगल भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेक्टेंगल और स्क्वायर में कुछ खास अंतर नहीं होता है, बस आपका डिस्टेंस मेजर करने का मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। पेंटागॉन, हेक्सागॉन, तो इनके ऊपर आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बेसिकली यही वो कलते मतलब ऑब्जेक्ट या यही वो कलते आपके शेप्स हैं जिन पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्लेन प्रोजेक्शन में। तो चलिए, पहले हम लोग कुछ इसके कंसेप्ट पे हम लोग वर्क कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चंस है, देखिए मैं अभी आपको कुछ कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। आज का जो लेक्चर होगा, मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, उस ट्रिक्स के बेसिस पे आप लोग प्लेन प्रोजेक्शन के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए, कुछ कुछ ट्रिक्स आपको मैं, ये जो ट्रिक्स है ये बेसिकली मैं इतने साल के जो गलत मतलब टीचिंग कैरियर में मैंने खुद डेवलप किया है, ये कहीं आपको बुक में नॉर्मली नहीं मिलेगा। तो मैं आपको वो ट्रिक्स जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि हमारा जो प्लेन प्रोजेक्शन बनेगा, हम लोग जो प्लेन प्रोजेक्शन डील करते हैं, बेसिकली आपका वीपी ऊपर होता है, एचपी नीचे होता है। वीपी ऊपर एचपी नीचे का मतलब कुछ खास नहीं है, ये वही चीज है कि फ्रंट व्यू ऊपर है, आपका टॉप व्यू नीचे है। यानी कि इनडायरेक्टली बोला जाए तो ये कौन सा केस हो जाता है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप लोगों को याद होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिस वन इज वीपी एंड दिस वन इज एचपी। तो एचपी जनरली क्या होता है, आपका रोटेट होके कितना, क्लॉकवाइज रोटेट होके 90 डिग्री डाउन चला जाता है। तो सेम चीज वही है, आपका वीपी आपका ऊपर है, एचपी आपका नीचे है, जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस ही फॉलो करते हैं हम लोग प्लेन प्रोजेक्शन में जनरली, ठीक है। तो ये आपका प्लेन, ऐसा नहीं है थर्ड आपका कहते प्रोजेक्शन भी किया जा सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के जगह हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट भी पूछा जा सकता है, बट नॉर्मली हमारे जो कहते कोर्स में रहता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का रहता है। तो फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, ठीक है। तो वीपी ऊपर है, एचपी नीचे है। अब एक चीज और समझते जाएगा, कुछ कुछ ये जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं नोट करते जाएंगे। एंगल्स की बात कर लेता हूं, तो याद रखिएगा, हर मैंने वीडियोस में मैंने एक चीज क्लियर किया है कि जब भी बात करेंगे एचपी से एंगल, तो समझिए कि ये आपका एचपी है और ये आपका वीपी है।
तो जब भी मैं बात करता हूं एचपी से कोई इंक्लिनेशन एंगल दिया रहता है, तो ये आपका एचपी है, तो एचपी से इंक्लिनेशन आपका ऊपर की तरफ बनता है, ठीक है, मतलब एचपी से इंक्लाइंड हो रहा है। और वही बात कर रहा हूं अगर वीपी से, तो वीपी के नीचे बनेगा, कौन से केस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा जो जनरल केस रहता है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही डील करते हैं। तो ये आपका हम लोग कुछ पॉइंट है। अब कुछ पॉइंट्स और ध्यान देते हैं कि आपका जो प्लेन प्रोजेक्शन है इसमें कुछ कंडीशंस दिए रहते हैं, कंडीशंस दिए रहते हैं, उस कंडीशंस पे हम लोग वर्क करना है। तो आपको समझना है कि वो कंडीशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो बेसिकली कुछ जो कंडीशंस होते हैं, समझिएगा कि कंडीशंस जो हमारे होते हैं वो लेफ्ट साइड, कहां लेफ्ट साइड हम लोग पुट करते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा, बस कंडीशन को हम लोग कहां पुट करते हैं, लेफ्ट साइड, बस ये याद रखिएगा। इसको जैसे हम लोग डील करेंगे आगे तो आपको इजीली समझ में आएगा ये लेफ्ट साइड का मतलब क्या है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन दिया रहेगा उसको हम लोग फिट कहां करेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो एक चीज याद रखिए, तीन चीजें याद रखिए कि आपका वीपी ऊपर एचपी नीचे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का केस हम लोग जनरली लेते हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूं, वीपी ऊपर रहेगा एचपी नीचे रहेगा, तो फ्रंट व्यू भी ऊपर रहेगा टॉप व्यू नीचे रहेगा। दूसरी चीजें एंगल की बात कर लेता हूं, तो एचपी से एंगल आपका ऊपर बनेगा, वीपी से एंगल आपका नीचे बनेगा। ये सारे मैं किस चीज के लिए बात कर रहा हूं, क्वाड्रेंट फर्स्ट, ठीक है। अब बात करता हूं कि कंडीशन, तीसरा केस मैंने क्या बताया कि कंडीशंस जो भी रहेंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस में कंडीशंस दिए होंगे वो आपका लेफ्ट साइड ही पुट करेंगे। तो अब बात करते हैं ये क्या कंडीशन, क्या लेफ्ट साइड, ये आखिर है क्या मैटर। तो चलिए इसको देखते हैं कि कंडीशंस को हम लोग लेफ्ट साइड कैसे पुट करते हैं। तो चलिए कंडीशंस की जो मैं बात किया, तो कंडीशंस देखते हैं क्या क्या कंडीशंस पूछे जाते हैं। तो कंडीशन वन, बेसिकली क्या पूछा जाता है, देखिए जो मैं कंडीशंस बता रहा हूं ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होंगे, लेकिन नॉर्मली आपके 80% क्वेश्चंस में अप्लाई हो जाते हैं। बाकी जो 20% क्वेश्चन है थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो उनमें थोड़ा सा हम लोग को अपना जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है उसको यूज करके उसको सॉल्व करना रहता है। तो जो जनरल टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं उसका मैं आपको बता रहा हूं कि कंडीशन वन क्या पूछ सकते हैं। पहला चीज, इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर, इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर और अ पॉइंट, a corner or a point in the HP, in the HP, ध्यान समझिए क्वेश्चन में, मतलब कंडीशन क्या बोल रहे हैं। इफ इट इज गिवन दैट, अगर दिया हो अ कॉर्नर और अ पॉइंट, या तो कॉर्नर या तो पॉइंट, इज इन द HP, HP पे है, ठीक है, देन स्टार्टिंग डायग्राम विल बी, अब समझना है तो क्लियर समझिए कि स्टार्टिंग डायग्राम, देखिए कोई भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको जब समझ में नहीं आएगी कि स्टार्ट कैसे करना है तो आगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोसीड हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहले स्टार्टिंग डायग्राम कैसे स्टार्ट करना है, किस कंडीशन का डायग्राम है, किस तरीके से हम लोग पुट कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग को ये समझना, ये चारों कंडीशंस जो मैं बताऊंगा, ये चार कंडीशंस आपको समझना जरूरी है, ठीक है। जनरली आपके बुक्स में ये सारे कंडीशंस नहीं मिलते, फिर भी आप समझिए कि इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर ऑफ अ पॉइंट इज इन द एचपी, मैंने क्या कहा था कि कंडीशन कहां पुट होता है, लेफ्ट साइड, याद करिए कि कंडीशन कहां पुट होता है, लेफ्ट साइड। क्या बोल रहा है आपका, अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी, ध्यान से देखेंगे। चलिए मान लीजिए आपके पास शेप्स है, जैसे कि मैं आपको शेप्स दिखा रहा हूं, यह पेंटागॉन है, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं इज इन द एचपी, अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी, ध्यान समझिएगा, अगर मैं इस तरीके से बात करूं, अगर मैं इस तरीके से पोजीशन रखा हूं, ध्यान समझिए, अगर मैं ये पोजीशन रखा हूं और क्वेश्चन में आपका कंडीशन क्या बोल रहे हैं, अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी,
तो ध्यान से देखिए, क्या मेरा जो कंडीशन मैंने बोला है कि आपका एक कॉर्नर हो या तो पॉइंट हो, वो आपका एचपी पे होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, मेरा यहां पे एक कॉर्नर आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक कॉर्नर आ रहा है या बोल सकते एक पॉइंट आ रहा है। कोई लाइन आ रही है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं राइट साइड देखूं तो देखिए, आपको एक बेस आ रहा है या लाइन आ रहा है, बोल सकते एक बेस आ रहा है, एक लाइन आ रहा है, ठीक है। मगर यहां पे क्या आ रहा है आपका? एक आपका कॉर्नर आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसे पुट करूं तो ध्यान समझिए कि एक कॉर्नर किस साइड आ रहा है या पॉइंट किस साइड आ रहा है? राइट साइड। और लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है आपका? एक लाइन आ रहा है, बेस आ रहा है, बेस बोल सकते हैं, फेस बोल सकते हैं। तो आपका बेस आ रहा है, फेस आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो कंडीशन हमारा है, अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी, तो ये अगर इस कंडीशन की बात करूं तो ये फेल हो जाएगा, क्योंकि हमारा कल लेफ्ट साइड में कंडीशन क्या फॉलो होना चाहिए? कॉर्नर। तो ये कंडीशन आपका फॉलो होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग पेंटागॉन इस तरीके से रखें तो आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा कंडीशन फॉलो हो रहा है। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल की, तो क्या मैं ट्रायंगल को इस तरीके से पुट करूंगा तो आपका सही आएगा? ध्यान से देखिए, अगर मैं ट्रायंगल को इस तरीके से पुट कर रहा हूं तो आपका लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड आपका क्या आ रहा है? एक साइड आ रहा है। बट आपका राइट साइड क्या आ रहा है आपका? एक पॉइंट आ रहा है, जो कि आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग तो हमारा गलत है। तो हम लोग क्या करना है, लेफ्ट साइड में आपका क्या चाहिए हमको? कॉर्नर चाहिए। तो देखिए, लेफ्ट साइड में आपका इस कंडीशन में आपका कॉर्नर आ रहा है, तो ट्रायंगल केस में हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेमी सर्कल, ध्यान समझिएगा, सेमी सर्कल। अगर मैं बात करूं कि ये आपका सेमी सर्कल मैं इस पोजीशन में इस तरीके से रखा हूं, ध्यान समझिएगा, इस तरीके से रखा हूं, और बात करूं कि आपका कॉर्नर या पॉइंट वाला केस है, तो ध्यान से देखिए, मेरा लेफ्ट साइड में आपका कॉर्नर आ रहा है? नहीं। ये आपका क्या आ रहा है? आपका एक नॉर्मल, आप बोल सकते हो बेस आ रहा है, फेस आ रहा है, ठीक है। इस साइड क्या आ रहा है? तो एक, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट इस साइड आ रहा है, मतलब कि लेफ्ट साइड की जगह राइट साइड आ रहा है। वही अगर मैं इसको इस तरीके से पुट कर दूं तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपका ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि यहां पे एक पॉइंट आ रहा है। देखिए, जो आपका ये सेमी सर्कल होता है, ये आपका जो यहां पे स्टार्टिंग पे ये जो पॉइंट होता है, जो कि हम लोग बोल सकते हैं अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग मान के चलते हैं कि एक पॉइंट है आपका सर्कमफ्रेंस पे, यहां पे आपका एक पॉइंट है सर्कमफ्रेंस पे, तो ये कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि आपका कॉर्नर की जगह पॉइंट आया हुआ है आपका लेफ्ट साइड में, तो ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर बात करें हम लोग हेक्सागोन की, तो हेक्सागोन को ध्यान से देखिए, अगर मैं हेक्सागोन को इस तरीके से डायग्राम बनाऊं तो ध्यान से देखिए, आपके लेफ्ट साइड में आपका क्या आ रहा है? एक साइड आ रहा है, राइट में भी साइड आ रहा है। देखिए, राइट में क्या आ रहा है उससे हमें मतलब नहीं रखना है अभी, हमको मेन मतलब किससे रखना है कि लेफ्ट में क्या हमें कंडीशन आना चाहिए। अगर लेफ्ट में जो आना चाहिए ऑटोमेटिक जो राइट में आना चाहिए वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो हमको अकॉर्डिंग टू कंडीशन कैसे सॉल्व करना है कि हमको लेफ्ट में कंडीशन लेके आना है। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये आपका राइट के सॉरी लेफ्ट साइड में क्या आपका आ रहा है? एक साइड आ रहा है, जबकि हमको क्या चाहिए? कॉर्नर हो, नहीं तो पॉइंट हो। तो अगर मैं इसको इस तरीके से पुट करूं तो ध्यान से देखिए, आपका क्या आ रहा है? लेफ्ट साइड में एक कॉर्नर आ रहा है या बोल सकते हैं एक पॉइंट आ रहा है। अगर मैं स्क्वायर के केस में बोलूं, स्क्वायर के केस में अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके से पुट करूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं स्क्वायर को इस तरीके से पुट करूं तो जो हमारा कॉर्नर केस है, क्या यहां फॉलो हो पा रहा है? यहां पे आपको कॉर्नर केस वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो पा रहा है, लेफ्ट साइड में आपका एक साइड आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये आपका गलत है। तो हम लोग किस तरीके से पुट करेंगे इसको? इस तरीके से अगर पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपका एक पॉइंट बोल सकते हैं या कॉर्नर बोल सकते हैं, ये आपका आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्क्वायर के केस में इस तरीके से हम लोग पुट करेंगे। अब बात करें हम लोग सर्कल, तो सर्कल का तो देखिए, आप किसी भी तरीके से रख लीजिए, कोई आपका कंडीशन का कोई टेंशन ही नहीं है, ना इसमें साइड होता है, ना कॉर्नर होता है, कोई फेस ही नहीं होता, तो ये तो आपका सर्कुलर फेस इसका रहता है, इसलिए आप सर्कल को किसी भी तरीके से रखिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सारे तरीके से आपका जो शेप्स है इस तरीके से रखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि शेप्स बनाते कैसे हैं। तो ये जो फिगर देख रहे हैं आप लोग, ये आपका परफेक्ट एकदम फिगर बना हुआ है आपका, ध्यान से देखिए।
हर फिगर को आप लोग अगर बारीकी से अगर गौर करेंगे तो इसमें एक चीज़ ध्यान देंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका देखिए सभी में लेफ्ट साइड पे या तो कॉर्नर है या तो पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट जो भी बोले। तो ये आपका लेफ्ट साइड में ध्यान से देखिए, ये आपका पॉइंट है स्क्वायर केस में या कॉर्नर बोल सकते हैं, ये हेक्सागन केस में भी देख सकते हैं आपका ये कॉर्नर या पॉइंट है, पेंटागन केस में भी देख लीजिए। अगर सर्कल की बात करें मतलब सेमी सर्कल की, तो ये आपका यहाँ पे एक पॉइंट है। ट्रायंगल की बात करें तो ये देखिए, और सेमी सर्कल की पूरी बात करें तो यहाँ पे भी एक आपका सर्कमफ्रेंस पे आपका एक पॉइंट है। ठीक है, तो जो आपका कंडीशन था, कंडीशन क्या था आपका कि कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी। तो ध्यान से देखिए, सारे केस में आपको, सारे के सारे केस में आपको लेफ्ट साइड पे आपका कंडीशन पूरी तरीके से फिट किया गया, आपका लेफ्ट साइड में कंडीशन को पुट किया गया। ध्यान से देखिए, सारे में आपका लेफ्ट साइड में आपका पॉइंट का केस है। ठीक है, अब एक चीज और समझिए कि ये आपका वीपी होता है, ये एचपी होता है, और मैंने जैसा बताया था कि यहां पे फ्रंट व्यू बनेगा और यहां पे टॉप व्यू, तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे फिगर्स जो है वो क्या है आपके टॉप व्यू के फिगर्स है। ये सारे फिगर्स कहां है आपके एचपी पे है, तो ये बनेगा क्या आपका टॉप व्यू, तो ये सारे के सारे आपके टॉप व्यूज है। ठीक है, तो ये आपके सारे जो फिगर है, अगर कंडीशन आपका दिया रहेगा अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी, देन स्टार्टिंग डायग्राम को कैसे आप लोग स्टार्ट करोगे, आप इस तरीके से ये आपके सारे फिगर्स हैं जो जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं सारे फिगर्स को मैंने यूज किया है, तो इन सारे फिगर्स को इसी तरीके से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन सर्कल का दिया तो खैर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्क्वायर का दिया है तो आप स्क्वायर का फिगर उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे, हेक्सागन का, चाहे पेंटागन का, चाहे सेमी सर्कल का, चाहे आपका ट्रायंगल का, तो जनरली इन्हीं शेप्स को पूछा जाता है और इन्हीं शेप्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका कंडीशन, आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने फिट कर दिया। तो अब वीपी में आपका फ्रंट भी बनता है, एचपी में आपका टॉप भी बनता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। अब बात आती है कि सर ये ऐसा ही क्यों बनेगा, ये आपका ऐसा ही क्यों बनेगा, तो थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आपका फिगर वैसा ही क्यों आएगा। तो ध्यान समझिए, हमारा कंडीशन क्या बोलता है, एक कॉर्नर है या एक पॉइंट है जो कि इन द एचपी है। अगर मैं बात करूं इस पेंटागन की, तो ध्यान समझिएगा कि इस पेंटागन को अगर मैं कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट करता हूं, एक पॉइंट है, एक कॉर्नर इन द एचपी, तो देखिए मैं इन द एचपी रख दिया। ध्यान समझिएगा, मैं इन द एचपी रख दिया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखिए, मैंने तो इन द एचपी रख दिया, लेकिन हमारा जो कंडीशन होता है, कंडीशन होता है क्या होता है हमारा कंडीशन, कि एचपी पे जो रहता है वो रोटेट होके कैसे जाता है हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो अगर ये रोटेट होके जाएगा तो समझिए, अगर ये एचपी भी रोटेट होके जा रहा है नीचे के साइड, तो आपका ये फिगर भी आपका रोटेट होगा, तो रोटेट होके आपका ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रोजेक्शन में इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि देखिए आपका रोटेशन कैसा है, आपका 90 डिग्री रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो आपका रोटेशन के अकॉर्डिंग आपका पॉइंट कहां आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। अगर मैं यही बात करूं ट्रायंगल की, तो अगर आपका ये पॉइंट इस तरीके से रखा हुआ है, ये एचपी पे रखा हुआ है, और इसे मैं अगर रोटेट करता हूं, रोटेट मतलब एचपी नीचे जब आता है आपका, तो ध्यान से देखिए, रोटेट हुआ 90 डिग्री, तो ये पॉइंट आपका कहां चला गया, लेफ्ट साइड चला गया। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं सेमी सर्कल की, तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका एचपी पे है। ठीक है, और अगर मैं इसे रोटेट करूं, रोटेट मतलब जब एचपी आपका नीचे रोटेट होगा, ठीक है, तो ये कहां चला जा रहा है, देखिए 90 डिग्री रोटेट करने पे क्लॉकवाइज आपका ये इस तरीके से फिगर आपका जनरेट हो रहा है। सेम अगर मैं हेक्सागन की बात करूं, तो हेक्सागन में भी अगर मैं पॉइंट को इस तरीके से पुट किया हूं, देखिए आप पॉइंट या जो भी कॉर्नर है इस तरीके से पुट किया हुआ है, एचपी पे है, अगर इसे मैं रोटेट करूं कैसा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ध्यान से देखिए वो पॉइंट आपका कहां जा रहा है, तो इस साइड चला जा रहा है, तो आपका फिगर कैसा बन गया। उसके बाद अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो स्क्वायर में आपका कैसा है, आपका पॉइंट को इस तरीके से मैंने पुट किया, देख सकते हैं एक पॉइंट जो है या कॉर्नर जो है आपका एचपी पे है, तो एचपी तो आपका रोटेट होता है 90 डिग्री, तो अगर मैं इसे 90 डिग्री रोटेट किया तो ये कहां चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इसका भी बनेगा। खैर सर्कल का कोई दिक्कत ही नहीं है,
सर्कल को आप जिस तरीके से रखें, आप कैसा भी रोटेट करें, कितना भी 90 डिग्री रोटेट करें, आपका सर्कल तो सर्कल ही रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो हम लोग का कंडीशन जनरेट हुआ है उसके पीछे रीजन ये है, ठीक है, यही आपका कंसेप्ट था। खैर मैं उसे ट्रिक में कन्वर्ट कर दिया हूं। तो आप लोग जनरली जब भी आपका वर्ड आ जाए कॉर्नर ऑफ पॉइंट, ठीक है, तो आपको आंख बंद करके अच्छा इन द एचपी बोले तो आपका फिगर नीचे बनेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, क्योंकि एचपी से फिगर नीचे बनेगा और वो भी क्या होगा, आपका टॉप व्यू होगा। अगर आपका वीपी का केस होगा तो आपका फिगर ऊपर बनेगा और वो आपका क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा। तो ये आपका कंडीशन वन है। इस तरीके से हम लोग कल क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे, और जैसे क्लियर हो जाता है क्वेश्चन तो हम लोग उसको क्वेश्चन का स्टार्टिंग डायग्राम बना लेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा कंडीशन वन। अब हम लोग कंडीशन वन तो हो गया, अब हमें क्या देखना है कि कंडीशन टू क्या है। तो कंडीशन टू में कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस है। अगर मैं बात करूं कंडीशन टू की तो थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो ये आएगा कि आपका इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द एचपी की जगह, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वीपी यूज कर लेंगे बस। तो वीपी में जब आपका कंडीशन हो तब आपका कैसे बनेगा, इस चीज को ध्यान देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आपका कंडीशन जो भी दिया होगा लेफ्ट साइड ही पुट होगा, तो इसे हम लोग वीपी के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आपका फिगर वीपी के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। तो देखिए ये जो आपका कंडीशन बोला है कि अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द वीपी, पहले क्या हमारा कंडीशन था, फर्स्ट कंडीशन क्या था, इज इन द एचपी। एचपी पे था तो हम लोगों ने नीचे बनाया और वो क्या बना था, हमारा टॉप व्यू। अब बात आ रही है वीपी की, तो हमने पहले ही कहा है कि ये आपका ऊपर वाला पोर्शन जो है आपका वीपी का है और इस पे क्या बनता है, आपका फ्रंट व्यू। नीचे वाला पोर्शन क्या है आपका एचपी का और उस पे बनता है आपका टॉप व्यू। तो आपका इससे पहले जो हम लोग कंडीशन देखे थे अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द वीपी सॉरी एचपी, तो वह वहां आपने फिगर देखा होगा कि फिगर आपका एक्स वाई लाइन, ये आपका क्या है आपका, दिस वन इज एक्स वाई, एक्स वाई लाइन, ये आपका क्या है एक्स वाई लाइन। इस एक्स वाई लाइन के आपका क्या है नीचे बना था, बट एक चीज आप देखेंगे कि सिमिलर है कि जो कंडीशन है, जो कंडीशन था कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका जैसा फिगर ऊपर बना सेम टू सेम फिगर आपका नीचे भी बना था। तो आप देख सकते हैं कि यहां अगर मैं बात करूं अ पॉइंट अ कॉर्नर, तो देख सकते हैं कि सर्कल में भी आपका पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ये है आपका, ये आप देख सकते हैं कॉर्नर और अ पॉइंट स्क्वायर में, ये हेक्सागन में कॉर्नर और पॉइंट देख सकते हैं लेफ्ट साइड, या आपका ट्रायंगल में देख सकते हैं, या आपका सेमी सर्कल में आपका सर्कमफ्रेंस पे आप देख सकते हैं पॉइंट, और ये आपका पेंटागन पे। तो ये देख सकते हैं कि सारे ही फिगर्स में, सारे ही शेप्स में, सभी जगह आपका जो कंडीशन दिया हुआ है कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द वीपी। तो देखिए वीपी में तो बना ही है, साइड बाय साइड आपका सारे के सारे कंडीशन कहां फिट हुए हैं, तो वो हो गया आपका पूरा का पूरा लेफ्ट साइड। तो मैंने जैसा बताया था कि हम लोग कंडीशन कहां फिट करेंगे, तो लेफ्ट साइड। तो प्लेन प्रोजेक्शन में ये चीज याद रखिएगा कि हमारा कंडीशन आपका लेफ्ट साइड में फिट होगा। तो आपका देखिए सारे फिगर में आपका लेफ्ट साइड में जो कंडीशन दिया है अ कॉर्नर और अ पॉइंट, वो सारे कंडीशंस आपके लेफ्ट साइड में फिट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको जैसे क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलता है समथिंग लाइक दैट कि आप रेक्टेंगुलर प्लेन और अब हेक्सागोनल प्लेन हैविंग अ कॉर्नर इन द एचपी, तो आपको झट से दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि कॉर्नर इन द एचपी, कंडीशन क्या दे रहा है कॉर्नर इन द एचपी, तो हमें कैसे फिगर बनाना है, अ कॉर्नर इन द वीपी या अ पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इन द वीपी, तो आपको सर्कल कैसा बनाना है। तो आपको ये जो कंडीशन है, कंडीशन से हम लोग झट से मतलब झट से क्लिक करेगा हमारे दिमाग में और झट से हम लोग ज्यादा इधर उधर ना सोच के डायरेक्ट क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे और स्टार्टिंग डायग्राम हम लोग को इजीली मिल जाएगा और हमारा जो टाइम है, जो हम लोग कंसेप्ट जनरेट कर लिए हैं हम लोग पहले से, तो इसके कारण हमारा जो टाइम है वहां पे एग्जाम में वो कहीं ना कहीं सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो हमको सेव करना है हमारा जो टाइम है, जितना सेव करके चलेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके पास बाकी मतलब टॉपिक्स भी है, तो बाकी टॉपिक्स के लिए भी आपको टाइम निकालना है। तो इसीलिए अगर एक ही क्वेश्चन के पीछे आप लोग दिमाग लगाते रह जाएंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कंडीशन समझना है। तो ये कंडीशन टू था आपका कि इफ इट इज गिवन दैट अ कॉर्नर और अ पॉइंट इज इन द वीपी, तो देख सकते हैं कि आपका सारा फिगर वीपी में बना है।
अगर वीपीएम बना है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे फिगर्स क्या हैं, ये सारे के सारे फिगर्स आपके फ्रंट व्यू हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले कंडीशन में देखा, कंडीशन वन में तो सारे फिगर्स काम रहते एचपी में, तो वो सारे फिगर्स क्या थे, आपके टॉप व्यूज थे। तो ये सारे कंडीशन के जो ये आपके सारे फिगर्स दिख रहे हैं, ये आपके फ्रंट व्यू है, जो एचपी में बना था वो आपका टॉप व्यू है। तो ये जो दो कंडीशन है एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग मतलब कंडीशन समझ के हमको क्वेश्चन स्टार्ट करना है। आगे भी और भी कंडीशन है, लेकिन उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके कल पास लेके आएंगे और उसको और अच्छे से समझेंगे कि हमारे जो बाकी जो कंडीशन है वो किस तरीके से हमारा डील करना है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग आवर वीडियोज़।